हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केकर है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और एक कोच हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं स्टटरिंग, स्टैमरिंग या हकलाने का घरेलू उपचार, उसके बारे में। मैंने पहले इसके पहले दो वीडियो डाले हुए हैं जिसमें मैंने हकलाने के बारे में बताया हुआ है कि हकलाने का इलाज सम्मोहन के माध्यम से, मतलब हिप्नोसिस के माध्यम से, हिप्नोटिज्म, सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से या एनएलपी टेक्निक के माध्यम से होता है। काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई हमको घर में बैठे बैठे बताओ क्या इलाज करना, तो हम नहीं आ सकते आपके तरफ, तो उसके लिए मैं कुछ घरेलू उपचार बताता हूं कि घर में बैठे बैठे कैसे उपचार हो सकता है। क्या करना है कि हरदम जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये समस्या है, उसने हरदम घर में बैठे बैठे रिलैक्स अवस्था में बैठने का, एकदम शिथिल अवस्था में बैठने का या लेटने का है और ऐसी कल्पना करने का है कि मैं लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूं और बार बार इतना क्लियर विजुअलाइजेशन, इतना क्लियर विजुअलाइजेशन कि एक्चुअली अपन लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। लोगों लोग क्या बोल रहे हैं उनकी आवाज सुनने का है, मैं खुद क्या बोल रहा हूं तो मेरी आवाज सुनने की है, मतलब अपनी आवाज सुनने की है, और एक्चुअली जैसा वो पूरा पिक्चर जैसा एक मूवी अपने सामने खड़ा करने का है। तो ये बार 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 ये प्रैक्टिस करने की। दूसरी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आईने आईने के सामने खड़ा रहना और आईने के सामने खड़ा रह के आईने में जो आदमी दिखता है उसको बिना हकलाते हुए बातचीत करना। तीसरा उपचार या तीसरा उपाय ये हो सकता है कि घर के लोगों को सामने बिठाना, घर के लोग, भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, जो भी कोई होंगे सामने बिठाना। समझो कोई भी आप अखबार पढ़ते हो, अखबार एक पूरा पेज पढ़ लेना और अखबार पढ़ने के बाद में उनके सामने जाके बिना देखे हुए उनको समझा के बताना। फिर नेक्स्ट, बच्चे काफी आते हैं कि जो बोलते हम क्लास में बोल नहीं सकते या जो टीचर बोलते हैं उसका हम जवाब नहीं दे सकते, तो मैं बोलता हूं पहले टीचर को जाके बोल दो कि भाई मुझे हकलाने का प्रॉब्लम है और आप जानबूझकर मुझे क्लास में सवाल पूछो। लोग हंसेंगे, बच्चे हंसेंगे, हंसने दो। आज वो आपको हंसेंगे, कल आप जब अच्छा बोलना चालू करेंगे ना तो वो रोएंगे। तो क्लास में भी ये प्रैक्टिस करना है, लोगों के साथ में जानबूझकर बात करना और प्रैक्टिस करना। और जब लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, हकला रहे, तब वो प्रैक्टिस करना है कि अपन एकदम शिथिल अवस्था में, एकदम रिलैक्स अवस्था में और खुद को रिलैक्स अवस्था में बैठ के बातचीत करना है एक्चुअली, या खड़े रह के बातचीत करना है। सो जब बातचीत करेंगे एक्चुअली रिलैक्स, ये पूरा ये जो एरिया है पूरा रिलैक्स करने का है और बातचीत करने की। फिर घर में बैठे बैठे टेबल है, समझो टेबल के ऊपर आपने कोई पेन वगैरह लिया और ऐसा टक 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 ऐसा एक 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 ऐसा मारते जाना है, आवाज करते जाना है टक टक, और जैसा ये टक टक का आवाज करेंगे उसके साथ में एक 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 शब्द शांति से आराम से बोलने की प्रैक्टिस करने की। सबसे बेस्ट जो है वो घर में बैठे बैठे विजुअलाइजेशन करना कि जैसे भी मैं लोगों के साथ में बातचीत कर रहा हूं बिना हकलाते हुए और एकदम रिलैक्स अवस्था में बातचीत कर रहा हूं, जो मैंने पहले बताया, वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको पक्का फायदा होगा। और नहीं फायदा होगा तो एनएलपी टेक्निक्स है, मेरे वर्कशॉप्स है, हिप्नोसिस का वर्कशॉप है, सेल्फ हिप्नोसिस का वर्कशॉप है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा और अपने आप को एक अच्छा वक्ता भी आप तैयार कर सकते हो। देखो आप जैसे काफी लोग होंगे कि जो ये वीडियो देखने के लिए उत्सुक होंगे, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो आपके संपर्क में जितने भी लोग होंगे उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे दुनिया में लोगों को ये प्रॉब्लम से मुक्ति मिले, लोग अच्छे हो जाए, कम से कम हमारे देश में लोग देखते हैं वीडियो तो उनको भी ये प्रॉब्लम से मुक्ति मिलना चाहिए। तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।